आइए जरा देखते हैं। तुम मुझे जानते नहीं हो, मैं डॉक्टर हूँ, डॉक्टर, I am MBBS डॉक्टर। मैं तुम्हारा क्या हशर करूंगा, मैं फाइनल हेयरिंग वाले दिन तुम्हारी फाइनल चोरी कर लूंगा। तुम केस ऐसे हारोगे तुम्हारी ओए 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 हो जाएगी। मैं तुम्हें ऐसा टीका लगाऊंगा जुकाम के बहाने तुम सारा केस ऐसे लड़ोगे। पछाण भी तो दस कर की रहे बुजुर्ग रिछा। वीडियो ते वकीलां नूं चैलेंज कर रहे हैं। आ गई जे वीडियो ते आ आए जे वकील। आए और कुछ क्या मारेंगे। फजूल गल की ना, इहो जिहा केस पा के अंदर करांगा सारी जिंदगी जेलों बाहर नहीं आएगी। तुम लोग कितने जालिम मखलूक हो कि तुम लोगों ने तो मरीजों को भी नहीं बख्शा, मगर ये मेरे टारियन को माफ कर। टाड़ी इन्हें तो पेपर चेक कर रहे, जो कड़ा कड़ा असली टाड़ी है। पेपर चेक कर, हाँ पेपर चेक कर, इन्हें तो दो नंबर पेपर लग दे मैंने। सारिया कुड़ियां तेरे नाल सैट होनियां घरों में, किड्डी तैयारी करके आज मैं हर किसी का ध्यान तेरे ते आना, जिवे गश तेरे लिए आउंदे ने। ढा सारा मूह स्टूडेंट आते हैं ड्रामे से बदमाशी कर, हुण वकील आंदे आ प्रोग्राम च बदमाशी करन। बंद कर मुंह। भाभी बाजी दे दोनों हाथ फड़ के ना लक च सोटी मार दे, उस बाद नूं मलण ना दे। इहे ही करी जा बस, इहे ही करी। अरे कोल जा, होश दे कोल जा, इहदे पैर दे अंगूठे ते सोटी मार दे मलण। इहदी फर दी तलाशी लै, इहचों कोई उबले आंडा निकल के लिया के मैनूं दे। नहीं अजे मुर्गी दे रही। खाण पीण वाली चीज़ा जी ना फर्ज लगा के रख दी है, चेक कर कोई कोई चिप्स का पैकेट, कोई मूंगफली, कोई रेवड़ी, कोई चलगोजा, ऐं करके चाट निकले तो मैं लिया के दे। छोड़ मेरी जान, तेरा तो बड़ा जनाना किस्म का मुंह है। मेरे जाननी के बारे में गल करनी भाई, जाननी के बारे में गल करनी। तू ओदा भावे जनाना लेकिन दोस्त ओदा मर्दाना ना, मेरे नाल गल कर जिहड़ी करनी है। नहीं करनी मरो तेरे मुंह ते तैनूं याद आ घट, तू भी सिर ते कोई चुन्नी लिया कर। कुछ लै के दिते ही नहीं। तू मेरी धी भैण अपने केस लड़ाइया तेरी केयर करदा फिर। काशिफ ये क्या हो रहा है? रक्षंदा इस काम च ना भाई झगड़ा हो रहा है, इतों मैंने वीडियो उन्हें सेंड की है, उन्हें सानू ललकारिया, उन्हें थ्रेड लाया, उन्हें कहा जो करना कर लो, मेरा जो बिगाड़ना बिगाड़ लो। ए अपनियां पट्टियां करन जो कहना ते हाथ में ना मैं खराब कर देते फिर गई। तू मेरे होते हुए तुम ये नहीं कर सकते। तू घर चली जा, मैं ही करना। ओवरऑल ये एक टाड़ियों का अस्पताल है। ओ साडी टाड़ी किस्मत है। मरीज नुमा टारियों पे तशद्दुद नहीं कर सकते। तगड़े बंदे लबना ते माड़े होंदे सी करी ना वास्ते वेले बैठे रहे ना। वाह इत्थे पता लगना चाहिए कि वकील नूं ललकारन दा हल की होंदा, सानू ललकारदे ने। असीं कोई चूड़ियां नहीं पाइया, तू तन्ने पाइया ना करा दी वड्डियां भरजाइयां वर्गा मूंह तेरा खाना खराब दा, ते ओह भरजाई वर्गा मूंह जदों को सारियां चाबियां दारो विच ना। इत्थे जिहड़ी वकील मौला जट डॉक्टर नूरीनाथ शुरू होइए ना, इहदा जदों तक वाइंडअप नहीं हो जाता वेचना ही, मैं जदों तक उहदी लत नहीं लैनी मैनू उदों तक सुकून नहीं आना। वाइंडअप जिन्ने मर्जी करा मैं विच गाना नहीं करांगी। गाना तू नहीं करेगी। वो गाना कर या ना कर लेकिन गल याद रखी, साडी फिल्म गाने दी वजह तो नहीं एक्शन दी वजह तो हिट होनी है मुठियारे। वे वकीला एक गल याद रखी, अत खुदा दा वैर हुंदा ही नहीं। सानू ना डरा नहीं, खबरदार जो सानू दुआवां या बददुआवां वाले चक्कर च पाया कैसे तेरा भिजे रहा सरगम हुई। कैसा पढ़ा लिखा प्रोफेशन था तुम लोगों की वजह से, इस प्रोफेशन को तुम लोगों ने वहशी प्रोफेशन बना दिया। कपड़े चाड़ कपड़े चाड़े दे, अभी एक दो बिल्लियां डिगन गई मार।
तीन लंडे दी फराकां लै के उन्होंने एक करके सानू इत्थे आके भाषण देगी। तेरी यह जरूरत कि तू अपने को डॉक्टर नू बुला के साडे खिलाफ वीडियो बनवा के उन्होंने सेंड करवाए देखो काशिफ, मैं तुम्हें बता दूं, मैंने एक पढ़े लिखे वकील से शादी की थी, तुम जैसे मुस्टंडे से नहीं। मेरी दो लतां तोड़ के मैं रेड़ी पाया मंगेतर की जरूरत नहीं, सानू जरूरत है सिर्फ उस बाबे की जिन्हें साडे खिलाफ वीडियो पाई है। मैं बाबा साडे वाले कर रहे ओए बाबा दे ओए दस बाबा किथे ही हां तुसी बैठो करने गल चल करा गल अच्छी कंफर्टेबल आ हा स्प्रिंग भी नहीं है वाह वाह मजा आ गया हाय 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 ऐसे वाली चेक दा मजा आना काशिफ तुम बाहर आ जाओ मत करो इन लोगों के साथ ऐसे बददुआएं देंगे ये लोग जल्दी नाल दस दियो बाबा किथे ही ऐसी बगैरती है ऐ तड़िया बशर्मियां तड़े सोफियां जो आवाज़ आ रही हैं नहीं नहीं ये तो अड़े अंदर दी आवाज़ मैं जम्मू काशिफ अभी इसी वक्त अपने टोले को लेके बाहर चले जाओ हॉस्पिटल से वरना मैं किसी कीमत में तुमसे शादी नहीं करूंगी अल्लाह तेरा पला करे रक्षण दा ओ मेरी जान निकल जानी है रक्षण दा तेनू मैं कुछ किया केड़ी तेरी जान निकल मेरा डॉक्टर दे नाल तुसी एवें मरण वाले होए याद आ घाटा तुहानू अच्छा बैठो बैठ रहे हैं अच्छा यार तू मेरा दोस्त है भरा है मेरा समझो कि नहीं मैं भी चार साल हो जाए दंता से डॉक्टर कितने नहीं तेरी मेहरबानी आना कर मैं दस किधरों आया अच्छा अच्छा तो मेरे को परे को जान दिया उधर को आन दिया मैं गल इन्हें मैं गल कर आप उधर जाई जा रहे हैं तू उधर गया कि मैं इधर आया इतने कोई मशकूक चीज़ है कुछ है ही इतने तुहाडा तो सोफा टुरन दिया बशर्मो तुहानू क्या असीं स्प्रिंग वाला लवो तुसीं लत्तां वाला सोफा लिया इहदे च है कुछ ओह तुहाडा तो सोफा खलोंदा भी है वेलकम बैक यू वॉचिंग तारों से करें बातें हमारे साथ इब्राहिम हक ताबिंदा अली और तैमूर भट्टी साहब तशरीफ फरमाएं आपके साथ मैं गेम खेलती हूँ ठीक है जी. एक सवाल करूंगी कुछ ऑप्शंस दूंगी उसमें से एक ऑप्शन आपने पिक करना पड़ेगा ये गेम का रूल है चले जी पहला सवाल है सवाल ये है कि इनमें से किस सिंगर को अभी मेहनत की जरूरत है ये तो आप सच सच बता सकते हैं अली जफर आतिफ असलम राहत फतेह अली खान साहब अली जफर को अली जफर वो कह रहे हैं बॉडी पे मेहनत ना करो तो गाने पे मेहनत करो तो स्टार बन जाओगे एज अ सिंगर भी कुछ पहचाने जाओगे नाम कमाओगे चल दिल मेरे छोड़ दे दोस्ती ये दुनिया झूठी लोग फरेबी चल दिल मेरे यही कहना काफी है ये मैं बता दूं मेरे से फिर भी वो अच्छा गाता है मुझे उससे ज्यादा जरूरत है किस सियासतदान को सियासत छोड़कर गुलकारी में करियर बनाना चाहिए ये तो मुझे लगता है आप बहुत प्यार से जवाब देंगे शेख रशीद शहबाज शरीफ या फिर फवाद चौधरी साहब देखो मेरिट पे देना चाहिए जवाब ऐसे ही शहबाज शरीफ का बनता है डियर शहबाज शरीफ साहब मेरी आपसे दरख्वास्त है बल्कि इल्तिजा है कि आप मरते मर जाएं मगर इलेक्शन कमीशन के मामले में आपने पीटीआई के साथ तावुन बिल्कुल भी नहीं करना है ये कह रहे हैं कि आपके अंदर एक सियासतदान नहीं है आपके अंदर एक तौड़ी है जो सीएम हाउस में टेबले बजा के गाना गाता है इनमें से किस सियासतदान को अभी सियासत सीखने की जरूरत है डरिएगा नहीं जवाब दीजिएगा ऑप्शन दे रही हूँ उस्मान बुज़दार चौधरी सरवर या फिर आरिफ अलवी साहब मेरे ख्याल से आरिफ अलवी साहब इन्हें कहते हैं सियासत पंजाब के वजीर ने ना अपने दोवें बॉसेज नु बचा लिया ते मुद्दा आरिफ साहब ते पाता इसने क्या मुद्दा डाला है जो मुद्दा मैं डालूंगी आरिफ अलवी साहब देखें हम आपकी बहुत इज्जत करते हैं आप हमारे सदर पाकिस्तान हैं मोहतरम है हमारे आप और हमारे पास राय तैमूर भट्टी साहब बैठ के कह रहे हैं इनको तो सियासत की अलिबे भी नहीं आती इनको तो पहले सियासत सीखनी पड़ेगी उसके बाद फिर मैं बात करूंगा और फिर नंबर दूंगा फर्स्ट कौन है सेकंड कौन है थर्ड कौन है पहले तो सीखे चले जी दूसरा सवाल आपका फेवरेट लीडर कौन है बताइए ना इमरान खान जहांगीर तरीन या फिर शाह महमूद कुरैशी साहब इमरान खान
जहांगीर तरीन साहब, शाह महमूद कुरैशी साहब, देखे राय तैमूर भट्टी साहब, आपको तो लीडर ही नहीं समझते। ये कह रहे हैं आप तो रेलू कट्टे, असल लीडर तो इमरान खान है। इनमें से किस अदाकाराओं को एक्टिंग में मेहनत की जरूरत है? ऑप्शंस में है सबा कमर, माया अली, सज्जल अली। माया अली। माया अली, आप मेरी इतनी प्यारी बहन है, सारी फिल्म्स अभी इंडस्ट्री में आप ही को ऑफर की जा रही है। अगर कोई फिल्म सिनेमा में देखने जाता है तो वो आपकी लगी हुई होती है, उसके बावजूद ताबंदा हमारे शो पे बैठ के कह रही है कि माया को अभी एक्टिंग सीखने की जरूरत है। पता नहीं कैसे उसको पीआर पे फिल्में बन रही हैं और मिल रही हैं, और डायरेक्टर्स के लिए स्पेशली उन्होंने कहा है कि उससे ज्यादा मुझे अच्छी एक्टिंग आती है, आप माया में क्या ढूंढते हैं, आप मुझे कास्ट कर लीजिए, मैं उससे अच्छा काम करूंगी। कौन सी ऐसी गुलकारा है जिसके गाने पर आप कभी परफॉर्म करना नहीं चाहेंगी? सारा रजा, हुमैरा अरशद, सायरा नसीम या फिर शाजिया मंजूर? मेरे ख्याल से शाजिया मंजूर। ताबिंदा कह रही है कि अगर शाजिया मंजूर की आवाज़ किसी भी फिल्म में मेरे ऊपर पिक्चराइज कराई गई तो वो फिल्म मैं छोड़ दूंगी, क्योंकि उनकी आवाज़ बहुत भारी है, जिस तरह से उनकी शख्सियत भारी है, पहले वो खुद थोड़ा सा वेट लूज करें, उनकी आवाज़ फिर पतली हो जाएगी, जब पतली हो जाएगी तो शायद मुझ पर सूट करेगी, मैं पहले सुनूंगी उसके बाद फिर अपनी फिल्म में परफॉर्म करवाऊंगी। आई एम सॉरी, अब डाइट कीजिए। आ जाना सही वाली, मुझे लगता है यही से वापस जाऊंगी।